कीड़ी तो लेके हाथी तक, जर्रे तो लेके सूरज तक, जो इस सारे गर्दिश देच ने अपने केंद्र दी तलाश है, अपना अस्थान लभ रहे हैं। अस्थान की है परम आनंद परम खेड़ा, जड़ जो गर्दिश देच है वो चेतन हो रहे है, चेतन जो गर्दिश देच है वो परम चेतन होने दी कोशिश देच है, ते परम चेतन परम आनंद तक पहुंचन दी तलाश कर रहे है। कोई जर्रा किवें सूरज बने और कोई सूरज किवें महासूरज बने और कोई महासूरज किवें प्रभु बने, परमात्मा बने, ईश्वर बने, उस दे लई एक मार्ग साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज इस गाथा नामक बाणी विच दस रहे ने। बचन साध सुख पंथा लहंता बढ़कर बने, सुख दा पंथ ते केवल गुरु दे बचन ने, परम पुरख दे बचन ने, क्योंकि परम पुरख दे बचन गुरु दे बचन वास्तविक सिद्धे प्रभु तो आए ने, जैसे किरना सिद्धियां सूरज तो आमदियां ने, ए बचन ज्ञानमई सिद्धे ही प्रभु तो आमदे ने। जैसे में आवे खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान वे ला लो, कोशिश ते हर एक दी है ओ मार्ग मैनू लभे जो सुख तक पहुंचावे। हर मनुख सुख दा पंथ लभ रहा है, हर जीव सुख दा मार्ग लभ रहा है, हर पशु पक्षी चाहे जड़ है चेतन है तलाश है सुख दी और उस मार्ग दी जो सुख तक पहुंचावे। साहिब कहिंदे ने गुरु दे बचन ही सुख दा मार्ग ने, परम पुरख दे बचन ही सुख दा पंथ ने। बचन साध सुख पंथा, सुखां दा मार्ग है साधु दे बचन, पर लहंता बढ़ कर मने, वड़ियां भागां अनुसार किधरे इस पंथ दी प्राप्ति हुंदी है। जीवन विच कुछ ऐसे पुन कीते होवन, जीवन विच कुछ इस तरह दे पुनीत संस्कार होवन, ता ए पुनीत संस्कार ए पुनीत कर्म सुख दे मार्ग ते तोर देंदे ने मनुख नूं और सुख दा मार्ग उपलब्ध करा देंदे ने। जिस भी किसी मनुख नूं सत्संग उपलब्ध है ते सत्संग विच गुरु दे बचना दी प्राप्ति हो रही उस नूं, इतना ते समझ लेना चाहिए है कोई पुनीत कर्मां दा फल, कोई महान साधना दा ए फल है। जैसे ए जन्म मां बाप धन संपदा रंग रूप प्रालवत अनुसार प्राप्त होंदी है, कर्मानुसार प्राप्त होंदी है, तिवें सत्संग साधु दे बचन ए सुख दा मार्ग भी वड्डे कर्मानुसार लभदा है। सतगुर ते साख कहिंदे ने हर कीरत साध संगत है सिर कर मन के कर्मा, कहो नानक तिस भयो परापत जिस पूर्व लिखे का लेना। स्पष्ट गल कर देती है कि पूर्वली अगर कोई लिखत है, पूर्वला अगर कोई पुनीत कर्म है, कोई संस्कार है, तो उस अनुसार ही कर्मा दिचों सिरमौर कर्म हरी दी कीर्ति साधु दी संगत साधु दे बचना दी उपलब्धि होंदी है प्राप्ति होंदी है। तो महाराज कहिंदे ने सुख दा मार्ग है गुरु दे बचन साधु दे बचन, पर प्राप्त होंदे ने वड्डे कर्म अनुसार। जद इना बचना दी प्राप्ति हो जाए, पहचान की एक इस मनुख नु गुरु दे बचना दी प्राप्ति हो गई है, प्राप्ति तो मुराद ए हुण गुरु दे बचना अनुसार चल रहा है, गुरु दे मार्ग ते चलन तो मुराद गुरु दे बचन दे मुताबिक अपनी जीवन बसर कर रहे है। हुण जो गुरु दे बचन ने ओ इसदा जीवन बन चुका है, हुण जो गुरु दे बोल ने ओदी तर्ज़े जिंदगी बन चुकी है।
अगर ऐसा है ते गुरु दे बचना दिच एक बरकत है। रहंता जन्म मरने रमण नानक हर कीर्तने। ऐसा मनुख पर हरे कीर्तन करता है और प्रभु दे गुणा दा रमण करन लग पैंदा है, उदी विचार करन लग पैंदा है और कीर्तन कर करके उस दे च अपनी सुरत जोड़दा है, लिवलीनता प्राप्त करता है। इसका सदका यह होता है कि वह जन्म ते मरण तो बच जाता है। जो दुखां दी खाण है, सारे कलेशां दी खाण है, जन्म ते मरण इस तो उसका जो है बचाव हो जाता है। अगले श्लोक विच साहिब कहिंदे ने, पत्र भुरजेण झड़ियंग ने जड़ियंग पेड़ संपदा। पतझड़ दी रुत दे मौसमे खिजां दे दरख्तां नालों जद पत्ते सुकदे ने ते सुक के झड़दे ने धरती ते गिरदे ने, उस रुत नूं खिजां आखदे ने, पतझड़ दी रुत आखदे ने। प्राचीन भाषा विच पत्र भुरजे रुत आई है पत्र भुरजे। तो साहिब कहिंदे ने, पत्र भुरजेण झड़ियंग ने जड़ियंग पेड़ संपदा। पतझड़ दी रुत दे पत्ते सुख के जद पेड़ नालों झड़ जांदे ने, थले गिरदे ने, मुड़ के उस दरखत नाल नहीं जुड़दे, मुड़ के उस पेड़ नाल नहीं जुड़दे। यह तो एक दृष्टांत है, प्रमाण है, उदाहरण है। किस प्रथाई दिता गया है? तो महाराज कहने, नाम बिहून बिखुमता नानक बहंत जौन बासरो रैणी। इसी तरीके नाल जो नाम दी टैणी तो नाम दे ब्रिश तो जो है टूटता है, तो वासना दी पवन उसनू बहुत सारी जूना दे धकेल देंदी है। जैसे गिरिया होया पत्ता, सुखा पत्ता, पवन उसनू थां थां ते लई फिरदी है, कदी किधरे कदरी किधरे। आत्मदर्शी मनुख जद खिजां दी रुत नूं भी देखदे ने तां कुछ आत्म प्रेरणा लैंदे ने, ते जद मौसमे बहार नूं वेखदे ने तां भी कुछ आत्म दर्शन दी प्रेरणा लैंदे ने। महान अनुभवी साधु एक दिन पतझड़ दी रुत दे जंगल दे चो लंघे जा रहे ने, सुखे पत्ते हवा दे तेज झोंकियां नालों टुट के जमीन ते पै रहे ने और कड़कड़ कर दे ने। सुखे पत्तियां च आवाज कड़कड़ दी, हल्के हो गए ने, हवा हुण उन्हां नूं दूर लई जांदी है, दूर लई जांदी है। जिस दरखत दी शाख नाल उन्हां दा जीवन सी, उन्हां दी हरियावली सी, उन्हां दा खेड़ा सी, जिहड़ी पवन उन्हां नूं नचांदी सी, दरखत दे नाल जद ओ जुड़े सन, नृत करदे रहिंदे सन, झूलदे रहिंदे सन, आनंदित सन, हरे भरे सन, ओही पवन अज दूर ले जा रही है। जद सुक गए, गिर गए। इस महान साधु दे अंदरों इस गिरे हुए पत्ते नूं वेख के, इस भटकदे हुए पत्ते नूं वेख के जिसनूं पवन बहुत दूर ले जा रही सी, दरखत ते पेड़ जो है पत्ते दा संवाद लिख दिता। पात उड़नता बोलिया सुन तरवर बन राय, अब के बिछड़े कब मिले दूर परेंगे जाए। ए भजदा होया पत्ता, ए टूटिया होया पत्ता जिन्हों पवन होर दूर ले जा रही है, होर दूर ले जा रही है, जिसकी नजरों तो भी दरख्त ओझल होंदा जा रहा है, फरियाद कर रहा है, ऐ दरख्त टूटते गए हैं तेरे नालों, फिर कदों जुड़ना नसीब होवेगा, फिर भी किधरे मिलाप होवेगा। पात उड़नता बोलिया सुन तरवर बन राय, अब के बिछड़े कब मिले दूर परेंगे जाए। अगों दरख्त बोल पिया, आगे तरवर बोलिया
सुन बात मम बात हमरो एही स्वभाव है एक आवत एक जात। मेरे स्वभाव दा तेनू पता नहीं तू झड़ गए है होर मेनू लग जान गए। सड़े कुल ते ए आवा गवन बने ही रहिंदा है एक आउंदे ने एक जाउंदे ने एक रुखसत होंदे ने होर आ जांदे ने और रुखसत होंदे ने होर आ जांदे ने। दरअसल संसार दा यही स्वभाव है। इधर अर्थी चुक के ले जा रहे हैं शमशान घाट दी तरफ इधर किधरे जन्म हो रहे हैं। खुशियां दे शादियां ने पे वजदे ने मुंडे दा जन्म हो रहे हैं इधर बुढ़े दी अर्थी निकली हुई है। इधर जन्म इधर मरण संसार एक वृक्ष दी तरह है और मनुख ए जीव पत्तियां दी तरह ने। पत्ते छोटे होंदे ने वड्डे होंदे ने मौसमे खजान विच कुमलांदे ने झड़दे ने दरख्त नूं होर लग जांदे ने। अनंत काल तो संसार रूपी दरख्त दा ए सुभाव रहा है झड़ना ते होर पत्तियां दा लग जाना झड़ना ते होर पत्तियां दा लग जाना मरना ते फिर जन्म हो जाना मरना ते फिर जन्म हो जाना। इस तरीके नाल इस संसार दा दरख्त अपनी शानो शौकत दे नाल अनंत काल तो जो है खड़ा है। साहिब गुरु अर्जन देव जी महाराज इसे उदाहरण नूं जरा होर अध्यात्मक दी रस दी गूढ़ी चाशनी दे लिपेट के जगत दे सामने रखदे ने। पत्थर भुरजेण झड़ियां ने जड़ियां पेट संपता मौसमे खिजां दे जद पत्ते सुक गए दरख्त नालों झड़दे ने मुड़ के नहीं जुड़दे। नाम बिहून बिखमता नानक बहंत जौन बासरो रेणी। इसे तरह सत्संग दे चों जो नाम दी टहणी नालों टुटदे ने वासना दी पवन बड़ा दूर ले जांदी है बहुत दूर ले जांदी है और अनंत जन्मां दे च उन्हां नूं जो है भटकांदी है। इत्थे सतगुरु कहिंदे ने जिवें पत्ते दी हरियावली उदों तक है जदों टहणी नाल जुड़िया होया है और टहणी तों उस नूं रस जल प्राप्त हो रहा है हवा भी उस नूं खेड़ा दे रही है वह नृत कर रहा है। पर जैसे शाख नालों टुटदा है हवा हुण इस नूं बेजार करदी है दरख्त तो दूर रह जांदी है। इसी तरीके नाल परबल वासना करके परबल लोभ करके परबल कामनावां करके जद कोई मनुख सत्संग तो टुटदा है नाम तो टुटदा है सत्संग वृक्ष दी तरह है और जो जप है वो टहणी है। जैसे जप दी टहणी तो सत्संग दे वृक्ष तो मनुख टुटदा है टुटदा वासना करके ही है और सुकदा है लोभ करके क्रोध करके। लोभ ते क्रोध दरअसल ए जीव लई मौसमे खिजां है अंतरीव दुनिया दा मौसमे खिजां है पतझड़ दी रुत है जिहदे च जीवन दे सोका आ जांदा है रस नहीं रह जांदा हरियावली नहीं रह जांदी सुक जांदा है। और जैसे वासना दा वेग वासना दी ए पवन बहुत जोर दी जो है चल रही है तो सुके होया ए झड़ भी जांदा है। पहले ते सुक गया बैठा ते सत्संग दे च है मायूस है चिंतातुर है होके भर रहा है हैरानगी है दरख्त नाल जुड़े होया ते फिर सुक गया। दरअसल रस नहीं मिल रहा इस नूं दरख्त तो तदे ही सुक गया। सत्संग दे च बैठा होया भी कोई बाणी नालों शब्द नालों अपना संबंध तोड़ सकता है तो बैठा ते सत्संग दे च है जुड़िया ते दरख्त नाल है पर अंदरों संबंध टुटा होण करके सुक गया। जे सुक गया तो फिर एक दूसरा भी खतरा है ये झड़ भी सकता है। किसे दिन ऐसा वासना दा झक्खड़ झुलदा है ये टुट जांदा है हुण सत्संग दे च बैठा भी कोई नहीं हुण आउणा भी नसीब नहीं होया हुण वासना दी पवन इतना दूर ले जांदी है
तरह तरह दे जन्म ते मरण दे चक्कर दे जो है पा दें दिए, तो साहिबा ने यह बड़ा सुंदर एक उदाहरण दिता है। पत्र भुरजेण झड़ियां ने जड़ियां पेद संपता नाम बिहून बिखुमता नानक बहंत जौन बासरो रेणी। ए पत्ता सुके ना झड़े ना सदैव हरियावली बनी रहे और पवन इसनु खेड़ा दे दी रहे, इदा नृत बनिया रहे, इसका नाच बनिया रहे, तो इस दे ले कोई साधना कोई उपाय कोई युक्ति। तो साहब कहंदे हां युक्ति है। भावनी साध संगे लभंतं बड़ भागणे हर नाम गुण रमण नानक संसार सागर नह व्यापणे। जे किधरे संगत विच बैठते हैं भावना विच वाधा आ जाए, पुरजोर विश्वास बज जाए। दरअसल मनुख दा डोलना वास्तविक डोलना है कि विश्वास दा डोलना श्रद्धा दा डोलना। तदी ते प्रार्थना करनी पैंदी है डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर अर्थ। हे प्रभु तू अपना मेहर दा हाथ रख के डोलन तो बचा ले। डोलदा की है साडा भरोसा, डोलदा की है साडी श्रद्धा। कदी वध जांदी है कदी घट जांदी है, भरोसा कदी वध जांदा है कदी घट जांदा है। मन इच्छत कम हो गया है तो भरोसा वध जांदा है, मनोकामना दी पूर्ति नहीं हुई तो भरोसा कमजोर होण लग पैंदा है। चाहत नू फल लगे है तो श्रद्धा वध जांदी है, पर चाहत पूरी नहीं हुई तो श्रद्धा डोलन लग पैंदी है कमजोर होंदी है। और जैसे जैसे श्रद्धा कमजोर होंदी है अंदरों जीव चेतना सुकदी है, और जद सुकी है तो फिर डर रहिंदा है झड़न दा। साहिब कहिंदे ने इह सुके ना इह झड़े ना सदीवी खेड़ा बनिया रवे, सदीवी हरियावली बनी रवे। उहदे लई लाजमी है कि इहदे अंदर श्रद्धा बनी रहे, इसदे अंदर भरोसा बनिया रहे, इहदा विश्वास डोले ना, इसदे भरोसे नू सट ना लगे। तो फिर ये की करे, भावनी साध संगेन लभंतं बड़ भागणे। अगर खुशकिस्मती ऐसी होवे कि साध संगत लब पवे ते साध संगत विच प्रभु दा भरोसा भी लब पवे श्रद्धा भी लब पवे ते उत्थे मनुख हरी नाम दे गुणा दा उचारण भी करन लग पवे, ते सिर्फ उचारण ही नहीं उना दी विचार भी करन लग पवे, ता फिर साहिब कहंदे ने नानक संसार सागर नह ब्यापणे। ए जो संसार महासागर है इहदियां लहरां उसनू नहीं व्यापणगियां, ए संसार सागर उसनू डोबेगा नहीं और इस सहजे पार हो जाएगा। साहिब गुरु अर्जन देव जी महाराज ने लड़ीवार इन्हां बचना दे साफ कह दिता है कि साधु दा बचन सुख दा मार्ग है, और उस बचन दे ते श्रद्धा दा लब जाना भरोसा दा लब जाना बहुत वड्डे भागां दी निशानी ते बहुत वड्डी प्राप्ति, और उस भरोसे दा सदका संसार सागर तो पार हो जाना ए लक्ष दी प्राप्ति हो गई, इते जीवन दा लक्ष प्राप्त हो गया। तो मूल गल इत्थे आ गई भावना दी, जिथे भावना प्रगाढ़ हो जाए भरोसा प्रगाढ़ हो जाए भावना प्रगट हो जाए अंकित हो जाए उसे नूं ते आख्या जांदा है ए भगत है। ते श्री रविदास जी महाराज ते कहिंदे ने साध संगत बिन भाव नहीं उपजे, भाव बिन भगत ना होए तेरी। भाव तो बिना कौन भगत होया है, भावना तो बिना किसकी भक्ति जो है सिरे चढ़ी है। मूल गल ते भावना दी है, ते भावना दे अंकत होण तो ही इसने जो है भगत बनना है। ते भावना दी प्राप्ति साध संगत दे चों और पूर्वले पुन प्रताप, जैसे जैसे साध संगत दे च प्रभु दा भरोसा वधे तो प्रभु दा भरोसा वधना ही साध संगत दा लाभ है,
और भरोसे दा कमजोर हो जाना, श्रद्धा दा कमजोर हो जाना, भावनावां दा छीण होना, यही अध्यात्मक नुकसान है। जैसे असी धन दा नफा ते नुकसान वेख लेंदे आ, दिखाई देंदा है, अध्यात्मक लाभ भी यही है। अगर श्रद्धा वध रही है, भरोसा वध रहा है, तो यह अध्यात्मक उन्नति दी तरफ, लाभ दी तरफ जा रहा है, पर भरोसा छीण हो रहा है, भावना छीण हो रही है, श्रद्धा घटती जा रही है, तो ये तोटे दी तरफ जा रहा है, इतने घाटे दी तरफ जा रहा है। इस वास्ते साहिब कहिंदे ने, जैसे बारला धन, ये भी पुन प्रताप अनुसार प्राप्त होंदा है। गुरु अर्जन देव जी महाराज जैसे कहिंदे ने कि दानं परा पूर्वेण भुजंते महीपते, जैसे पूर्वला कीता होया दान ही बड़े बड़े धनवान धन नु प्राप्त करदे ने और सुख भोगदे ने बड़े बड़े महीपत। इस तरह पूर्वले पुन प्रताप ज्ञान साधना जप साधना द्वारा ही भावना दी प्राप्ति होंदी है, और वो जड़ी भावना है मन नु एकाग्र कर देंदी है और संसार सागर तो पार कर देंदी है। जद संसार अपनी तरफ खिंचे, पदार्थ अपनी तरफ खिंचन, तो श्रद्धा कमजोर होंदी है। जद परमात्मा अपनी कशिश पावे, ते जद जीव परमात्मा दी तरफ जावे, तो श्रद्धा वधदी है। संसार दा अपना खिचाव है, निरंकार दी अपनी कशिश है। इंज कह लो जिवें मनुख ऐसा बैबल खड़ा होवे कि इहनूं दोवें पासे खिचिया जाए, ते उसदी की हालत होंदी है। किसे हद तक जन्मां जन्मांतरां तो मनुख दी यही हालत है। परमात्मा अपनी तरफ खिचदा है, पदार्थ अपनी तरफ खिचदे ने, संसार अपनी तरफ खिचदा है, निरंकार अपनी तरफ खिचदा है। इह गल वखरी है कि संसार नूं गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे ने इह निरंकार दी छाया तो इलावा होर कुछ नहीं है। महामाई तां की है छाया, पर जितना कोई वड्डा आप होवे, कुदरती गल उसकी छाया भी उतनी वड्डी आउंदी है। जेवड़ आप तेवड़ तेरी दात, तो परमात्मा बहुत वड्डा है, बहुत वड्डा है, उसकी छाया भी बहुत वड्डी है, बहुत वड्डी है। जिथे परमात्मा रूपी वृक्ष दे कोल तरह तरह दे आत्मक आनंद दे फल ने और फुल ने, उत्थे उसदे कुल पदार्थां दी छाया भी है। ये संसार जिस दे पदार्थ ही पदार्थ ने, यह परमात्मा रूपी वृक्ष की छाया है, तो परमात्मा का अपना प्रभाव है, छाया का अपना प्रभाव है। लेकिन एक गल स्पष्ट है, छाया तो जमीन ते भी मिल सकती है, उपर उठन की लोड़ ही नहीं है, उच्चा उड्डन की लोड़ ही नहीं है, कोई सुरत नु उच्चा करन की लोड़ नहीं, छाया जमीन ते भी मिल सकती है। इस वास्ते धनवान बनन लई लाजमी नहीं कि कोई गुणवान होवे, धनवान बनन लई लाजमी नहीं कि कोई सत्संगी होवे, धनवान बनन लई लाजमी नहीं कि वो जप तप करे। छाया ते जमीन ते भी मिल जाती है। दुराचारी कोल भी धन हो सकता है, पापी कोल भी धन हो सकता है। जैसे के प्रसिद्ध महात्मा तुलसी जी दा बोल, संत समागम हर के था, तुलसी दुर्लभ दोए, सुत धारा धन लक्ष्मी पापी ग्रह भी होए। इति पापियां कुल भी ऐसी देख दिया, उन्हां दी औलाद भी है, उन्हां कुल धन संपदा भी है, उन्हां दे कुल महल माड़ियां भी ने। दरअसल छाया ते कीड़े मकोड़ियां नूं भी प्राप्त हो जांदी है। जो जमीन ते रेंगदे पए ने, दरखत दी छाया ते ओ भी माण लैणगे। इह ठीक है कि छाया दा भी अपना एक रस है। धुप दे चो तपिया होया मनुख होवे ते छाया दे च आ गया है, तो उनु सुकून मिलदा है, शांति मिलदी है। भुख दा सताया होया मनुख, चंगा भोजन मिल गया। नगनता दा बेजार होया मनुख, सोने कपड़े पहनण नु मिल गए ने। सिर्फ आसमान ही जिसकी छत सी, उसनु सोने महल मिल गए ने। चंद कोड़ियां भी जेब दे च नहीं सन, अज लखां ते करोड़ां दा मालिक है, तो कुछ ना कुछ इस धुप दे तपे हुए मनुख नूं छाया दे च विश्राम ते मिलेगा।
सुख ते मिलेगा, बस छाया दा इतना ही सुख है, इस तो ज्यादा जो है नहीं। लेकिन दरखत दे कोल बड़े सोने फुल भी ने, दरखत दे कोल बहुत सुंदर फल भी ने, छाया दे इते सिर्फ विश्राम ही हो सकता है, लेकिन भुख की पूर्ति ते तां होवेगी कि फल मूंह दे च पवे, ते फल दा स्वाद माणे, ते फल दे नाल रजे। तो फल है परमात्मा दा नाम, इस जमीन ते नहीं मिलता, इत्थे ते उडारी लानी पेगी, उपर उठना पेगा, इत्थे शाख ते पहुंचना पेगा, इत्थे उच्चे हथ करने पैणगे, इत्थे पैर उच्चे करने पैणगे, इत्थे अपने आप नूं बुलंद करना पेगा, तां जाके किधरे उस शाख ते हथ पहुंचेगा जिस नूं सोहणे सोहणे फुल लगे हुए ने, फल लगे हुए ने। तो साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज इत्थे फरमान करदे ने, उस फल दे उत्ते, उस फुल दे उत्ते इस यकीन दा बज जाना कि उस फल वर्गा होर कोई फल नहीं, ऐसी मिठास होर किसे फल दे च नहीं है, बहुत वड्डे भागां दी निशानी है, नहीं ते बहुत सारी दुनिया छाया दे च ही संतुष्ट है, दरखत दी छाया प्राप्त हो गई, बस यही सब कुछ है। इत्थे जो है विश्राम करदे आ, जिंदगी दा लक्ष्य दरखत दी छाया मन ली, क्योंकि छाया लई अपने आप नूं उच्चा उठाण दी लोड़ नहीं, तो इस जहमत तो भी अगले बचण दी कोशिश करदे ने, जदके जहमत नहीं रहमत है, बख्शिश है, कृपा है, अगर कोई उच्चा उठण दी जो है कोशिश करे। तो साहिब कहिंदे भावनी साध संगेण लभं तंग बड़ भागणे, हर नाम गुण रमणंग नानक संसार सागन नह व्यापणे। साध संगत दे च हरी नाम दे उते जिसकी श्रद्धा बज गई है, भावना बज गई है, ते हरी दे गुणा दा ओ रमण करन लग पे है, फिर संसार दे दुख उसनू नहीं व्यापदे, फिर संसार उसते हावी नहीं आउंदा, फिर छाया उसनू रोकदी नहीं कि हुण तुक फल तक नहीं जाणदा, फल तक नहीं जावेगा, फल नू अपने हथ नहीं पसारेगा, बल्कि वह छाया नू कह देंदा है तेरे थले मैं विश्राम कर लिया, आराम कर लिया है, पर मेरी जिंदगी दा लक्ष्य ओ फल है, मैं उसनू प्राप्त करना है, और मेरे अंदर उसकी भावना जाग पई है, श्रद्धा जाग पई है। अगर ऐसा हो गया तो सतगुरु कहिंदे ने अध्यात्मक तौर पर उन्नति दे मार्ग ते जा रहा है, लाभ दे मार्ग ते जा रहा है।